नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आई नजर डालते हैं खबरों पर। नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं ककरमत्ता के लोग। आपको बताते चले कि वाराणसी नगर निगम में 100 वार्ड है, जिसमें से सबसे ज्यादा परेशान वार्ड नंबर 38 ककरमत्ता के निवासी हैं। चुनाव बीते एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस एक साल में ककरमत्ता दक्षिणी व उत्तरी वालों की पीने का पानी साफ नहीं मिल पा रहा है। शिखा गुप्ता है ककरमत्ता के वासी। यहाँ पे सीवर लाइन जो है वो खुद गई, जिसकी वजह से जो हमारे समर सीवर की पानी निकली उसकी वो सीवर का पानी जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा पानी एक तो गंध आ रही है पानी से। उस पानी को कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना नहाने के लिए, ना कुछ खाना बनाने के लिए। वाटर का पानी आ रहा है, इसकी वजह से नहाना भी हमें पड़ रहा है और खाना भी बनाना पड़ रहा है, पीना भी पड़ रहा है। काफ़ी समस्याएँ हो रही है। बच्चे बीमार हैं, 3 दिन से मूड मोशन हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं। बच्ची स्कूल जाती है, वो भी स्कूल नहीं जा पा रही है, क्योंकि सीढ़ी के पास इतना पानी लगा हुआ है, इतनी गंधारी, बच्चे को नीचे नहीं उतार सकते हम। इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और इतनी जगहों पे हम हफ्ते भर से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सभासद से आपसे बात हुई है और पूरी जिम्मेदारी अधिकारी से बात हुई है आपसे? जी बात हुई है, हमारे भैया की बात हुई है। लोगों ने आश्वासन दिया है, परंतु उसके बारे में कोई भी कदम नहीं है। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, इसके क्या कहेंगे जज? चुनाव आ रहा है, लोग उम्मीद और करते हैं कि चुनाव के टाइम में कुछ चीज़ें होंगी अच्छी, लेकिन चुनाव आ रहा है उसका भी कुछ सुधार हो रहा है, कुछ हमारे पास क्या इलेक्शन करिएगा, कोई क्या करेगा। जब हम स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट हमारा गली मोहल्ला तो नहीं दिख रहा। सिटी भले स्मार्ट हो रही हो, लेकिन जो अंदर की चीज़ है जो लोग नहीं देख पा रहे, उन्हें भी देखना, उन्हें भी हाईलाइट करना थोड़ा ज़रूरी है ना। अब हम अपनी समस्याएं कहाँ जाके करें, जिनसे हम कह पा रहे हैं वो हमारी बातें सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम कहाँ जाए, किससे कहें हम? हमारा नाम है अमित कुमार गुप्ता। ये सीवर का पानी लगभग 10 दिन से समस्या उत्पन्न कर रही है, जिससे पीने का पानी आए, समर समर का पानी गंदा लगे, और प्रतिदिन सुबह और शाम को ये पानी हमेशा बहते रहता है। और ये पानी मतलब नाले के थ्रू बाथरूमा बाथरूम से नीचे पकड़े पूरा भर जा रहा था। और समस्या इतनी उत्पन्न हो गई कि हम लोग घर का पानी समर समर का पानी कुछ नहीं पी पा रहा, और हमारे घर के लोग भी धीरे धीरे कुछ को बीमार बढ़ गया है। और समस्या इतनी कठोर है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। क्या सभासद से आपकी बात हुई? बात नहीं, हमने चिंता कॉल किया, हमने वीडियो भेजा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।